DJ Amin. DJ Amin. हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, कुछ भाई ने कमेंट किया था कि होली का डीजे स्टेटस लेकर आओ। तो दोस्तों, आपके भाई ने बहुत मेहनत करके तैयार किया इस वीडियो को, बिल्कुल भी इसकी मत करना, वीडियो बहुत ही मस्त है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी फालतू की बात किए हुए। काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। काइन मास्टर को इस तरह से एडिट करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देखकर आप एडिट कर सकते हो। प्लस पर टैप कर देना है, 9 और 16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, सेटिंग ऑप्शन है इस पर टिक करना है, एडिटिंग ऑप्शन है इस पर टिक करना है, फिल स्क्रीन है इस पर टिक करना है, और आपको डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ ए फोटो क्लिप इसको आपको फर्स्ट पॉइंट छोड़ देना है। सेकंड वाला पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पर, इस पॉइंट पर आना है, राइट पर टिक कर देना है। अपनी गैलरी से दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। आप अपने हिसाब से दोस्तों फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो, जितनी चाहो उस हिसाब से आप फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार यहाँ पर इतनी फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट पर टिक कर देते हैं। वीडियो को पहले इस तरह से जूम कर लेना है और एक क्लिप ग्राफिक्स ऐड करना है दोस्तों आपको यहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फोटो पर टैप करना है, क्लिप ग्राफिक्स पर टैप करना है, और आपको दिख रहा है होली क्लिप्स, इसको आपको डाउनलोड करना है दोस्तों। गेट मोर में जाके आपको ऊपर मिल जाएगा ये इफेक्ट। नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है और दूसरी जो फोटो है इस पर आपको यहाँ पर सेकेंड वाला सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से आपको जितनी आप फोटो ऐड करते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये काम मैं थोड़ा जल्दी कर लूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सभी में क्लिप ग्राफिक्स ऐड कर लिया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इस वीडियो को कर लेना है एक्सपोर्ट। पहले एरो पर टैप करते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, तो आपको 720p में यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना दोस्त। वीडियो एक्सपोर्ट हो गया, बैक आते हैं, एक और बैक आते हैं, सॉरी दोस्तों हम पूरा बैक आ गए, आपको इसी वीडियो में रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब दोस्तों आपको इसकी ड्यूरेशन 30 सेकंड बनानी है, जो वीडियो एक्सपोर्ट किया है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। मीडिया पर टैप करके आपने जो एक्सपोर्ट किया था उसको आपको ऐड तब तक करना है जब तक इसकी ड्यूरेशन जो है दोस्तों यहाँ पर 30 सेकंड ना हो जाए। तो 32 सेकंड हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट में आ जाना है, लेयर पर टैप करना है, मीडिया पर टैप करना है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी मटेरियल यूज़ करूँगा सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रीन स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेना है, इस बॉक्स पर टैप करके आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। सेकंड वाला बॉक्स है, इस पर टैप करके आपको इस तरह से फुल कर लेना है। और आपको क्या करना है, सिलेक्ट स्क्रीन एक बेक आना है, क्रोमा की पर टैप करना है, उसको इनेबल कर देना है। और की कलर में आपको ध्यान रखना है, ग्रीन होना चाहिए। राइट पर टिक कर देते हैं और दोस्तों लेयर पर टैप करते हैं, मीडिया पर टैप करते हैं, और अपनी गैलरी से दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाला वीडियो और ऐड कर लेना है। ठीक है, इसको आपको इस तरह से रोटेट कर लेना है और यहाँ से आपको कर लेना है फुल स्क्रीन। नीचे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग पर जाना है और आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर ड्रैगिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टिक कर देना है, राइट पर टिक कर देना है, इसका साउंड आएगा, आपको यहाँ से बंद कर लेना है। ठीक है, एक बार फिर से लेयर पर टैप करना है, मीडिया पर टैप करना है, एक और वीडियो ऐड करना है ये वाला, इस बॉक्स पर टैप कर लेना है और आपको यहाँ पर सेकंड वाले बॉक्स पर टैप कर लेना है, फुल स्क्रीन कर लेना है, सिलेक्ट स्क्रीन एक बेक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग पर टैप करना है और आपको यहाँ पर स्क्रीन पर टिक कर देना है। ठीक है, एक्स्ट्रा किसी का भी साउंड आए तो आपको यहाँ से बंद कर लेना है। फिर से आपको एक बार और लेयर पर टैप करना है, मीडिया पर टैप करना है, ये वाली PNG और आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है और इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको क्या करना है, इस कोने में यहाँ पर आपको सेट कर देना है। आप अपने हिसाब से दोस्तों इसको सेट कर सकते हो। और दोस्तों आपको एक अपनी फोटो ऐड करनी है, लेयर पर टैप करते हैं, मीडिया पर टैप करते हैं, अपनी गैलरी से दोस्तों एक फोटो और ऐड करनी है। ठीक है, तो फोटो आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक क्रॉपिंग ऑप्शन है इस पर टिक करना है, मास्क ऑन कर देना है और आपको एक गोल वाला शेप सेलेक्ट कर लेना है। पेपर ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, इस पर एक बेक आना है, फेदर को आपको इस तरह से फुल कर लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इतना एडजस्ट कर लेते हैं, राइट पर टिक कर देते हैं, फिर से इसी पर टैप करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर बीच में आपको शेड कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, एडजस्ट हो गया, राइट पर टिक कर देते हैं। अब दोस्तों आपको एक बॉर्डर PNG और ऐड करनी है, लेयर पर टैप करते हैं, मीडिया पर टैप करते हैं और अपनी गैलरी से वो वाली PNG और ऐड कर लेते हैं। आपको इस बॉक्स पर टिक करना है, सेकंड वाले बॉक्स पर टिक करके फुल स्क्रीन करना है, सिलेक्ट स्क्रीन एक बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है और ब्लेंडिंग ऑप्शन है इस पर टिक करना है, स्क्रीन पर टिक कर देना है, राइट पर टिक कर देना है। अब दोस्तों आपको एक बार फिर से लेयर पर टैप करना है, ओवरले पर टैप करना है, एक और इफेक्ट डाउनलोड करना है। ठीक है, आपको ये फर्स्ट में दिख रहा है हैप्पी होली, इसको डाउनलोड कर लेना है और आपको हिंदी वाला दिख रहा है, आप यहाँ पर कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी वाला कर लेते हैं, होली है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और एक बार रेड पर टिक कर देना है, इसकी ड्यूरेशन आपको यहाँ से बढ़ा लेनी है।
ठीक है, वीडियो जितनी कर लेनी है। और आपको क्या करना है, इसको आप जूम भी कर सकते हो, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसको आप इतना सेट कर लेना है और आपको यहाँ पर और देगा ये वाला ऑप्शन दिख रहा है बीच में, इस पर टिक कर देना है और नीचे स्क्रॉल करना है, फ्रेटिंग पर टिक कर देना है, राइट पर टिक कर देना है। अब जो आपने दोस्तों अपनी फोटो लगाई थी ये वाली, इस पर टिक करना है और अल्फा ओपेसिटी पर जाना है। इसको ओपेसिटी आपको इतनी कम करनी है जहाँ से ये होली वाला नाम दिखने लगे, ठीक है, तो इतने कर लेते हैं और रेड पट्टी कर देते हैं। और दोस्तों आपका वीडियो यहाँ पर कंप्लीट बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। दोस्तों साउंड यहाँ पर मैं नहीं सुना सकता, ठीक है, कॉपी इशू है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो वीडियो को गैलरी में सेव करते हैं दोस्तों, इस एरो पर टैप करते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं एक्सपोर्ट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।